सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इफ एपिसोड 4 के बारे में। सो व्हाट इफ का एपिसोड 4 शायद वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था व्हाट इफ का अभी तक, जिसमें हम डॉक्टर स्ट्रेंज और इविल वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं। मुझे तो पर्सनली ये एपिसोड काफी अच्छा लगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताना ना भूलें। बाकी इस वीडियो में मैं इस एपिसोड के स्टोरी और एंडिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको इस एपिसोड के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। That being said, let's get started. तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड यानी क्रिस्टन पामर इस यूनिवर्स में बार बार मर जा रही थी, और उसके मरने के बाद ही डॉक्टर स्ट्रेंज बेसिकली सॉर्सरर सुप्रीम बनते हैं और मिस्टिक आर्ट्स को सीखते हैं। जो एमसीयू का मेन यूनिवर्स था उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों को ठीक करने के लिए मिस्टिक आर्ट्स को सीखते हैं, पर इस यूनिवर्स में क्रिस्टन पामर को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स को सीखते हैं। पर मिस्टिक आर्ट्स को सीखने के बाद भी, सॉर्सरर सुप्रीम बनने के बाद भी और टाइम स्टोन को यूज करने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टन पामर को नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि क्रिस्टन पामर की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट थी टाइमलाइन पे, जिसको कोई भी सॉर्सरर सुप्रीम भी चेंज नहीं कर सकता था। और इस एब्सोल्यूट पॉइंट को रिवर्स करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को और भी ज्यादा पावर चाहिए थी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इस एपिसोड में क्रिस्टन पामर को बचाने के लिए ऑब्सेस्ड रहते हैं। पर यहाँ पे एंट्री होती है एंशिएंट वन की। एंशिएंट वन बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज को मना करती है कि वो इस एब्सोल्यूट पॉइंट को रिवर्स करने की कोशिश ना करे, पर तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं मानते हैं। तब बेसिकली एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को दो हाफ्स में बांट देती है। जो पहला हाफ रहता है वो एब्सोल्यूट पॉइंट को रिवर्स करने का चक्कर छोड़ देता है, पर जो दूसरा हाफ रहता है यानी कि ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज, वो और पावर की खोज में लाइब्रेरी ऑफ लॉस्ट बुक्स तक पहुंच जाता है, जहां पर जाकर उसे पता चलता है अगर उसे टाइम मैनिपुलेशन करना है तो उसे मिस्टिक बीन्स के पावर को चुराना पड़ेगा। जिसके बाद ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज एक एक करके बहुत सारे मिस्टिक बीन्स के पावर्स को चुराने लगता है। इस एपिसोड में हमें शूमा गुराद भी दिखाया जाता है, जिसको कि हमने एपिसोड 1 में भी देखा था। अब ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि एपिसोड 1 में और एपिसोड 4 में जो क्रीचर हमें दिखाया जा रहा है क्या ये शूमा गुराद ही है या नहीं, पर मेरी थ्योरी तो यही है, ये क्रीचर और कोई नहीं बल्कि शूमा गुराद ही है, जिसको कि हम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी देखने वाले हैं एज द मेन विलन। सो बेसिकली जो ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज था वो इन सारे मिस्टिक बीन्स का पावर को चुरा के अपने दूसरे हाफ से मिलने जाता है और उसे भी एब्जॉर्ब करना चाहता है ताकि वो क्रिस्टन पामर को बचा सके। पर ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज के हरकतों के कारण बेसिकली जो रियलिटी थी वो कलैप्स होने लगी थी और पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी। और ऐसा हो सकता है कि ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज के कारण ही स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में रियलिटी डिस्टर्ब हो जाए, जिसको कि ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकना पड़े। तो क्यों स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाए गए हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओ कि क्या आपको नहीं लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में वियर्ड बिहेव कर रहे थे, और हो सकता है ये डॉक्टर स्ट्रेंज ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज ना हो बल्कि एक ईवल वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज हो, ये बात मुझे कमेंट बताना ना भूले। इसके अलावा मेरे ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज की थ्योरी वाली वीडियो को भी देखना ना भूले, लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज जो ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज था वो अपने ओरिजिनल वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्रिस्टन पामर को जिंदा भी कर देता है। पर शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण पूरी यूनिवर्स अपने अंदर ही कोलैप्स हो जाती है लाइक अ ब्लैक होल। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वॉचर से भी बात करने की कोशिश करता है, पर वॉचर बोलता है कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, जिसके बाद इस डॉक्टर स्ट्रेंज की पूरी यूनिवर्स तबाह हो जाती है। पर इस डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने ट्रेलर्स में यानी कि व्हाट इफ के ट्रेलर्स में आगे भी देखा है और कैप्टन कार्टर के साथ भी देखा है, तो हो सकता है वॉचर व्हाट इफ के लास्ट कुछ एपिसोड में इंटरफेयर करे, जिसके बाद हम इस इविल वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज को वापस देखेंगे जरूर, मे बी एपिसोड 8 या 9 में। सो व्हाट इफ का एपिसोड 4 एक काफी बेहतरीन एपिसोड था और मुझे पर्सनली एपिसोड काफी पसंद आया। व्हाट इफ के इस एपिसोड में पहली बार हमने वॉचर को देखा कि वो किसी से इंटरेक्ट कर रहा हो। इसके अलावा इस एपिसोड की एक काफी सैड एंडिंग भी हुई, जहां पर पूरी की पूरी दुनिया भी खत्म हो गई और डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टन पामर को भी नहीं बचा पाया। इस यूनिवर्स को ऑफ कोर्स हम किसी न किसी डिफरेंट एपिसोड में जरूर विजिट करेंगे। अब वो एपिसोड कौन सा होगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। बाकी आप मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।